हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्मार्ट टेक्निकल हीरो चैनल में आप लोगों को हमेशा की तरह फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड, आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और जिसके पास कोई सा भी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को जब रिसेट करते हो या उसमें नया विंडो डालते हो, तो आपका जो कंप्यूटर में जो पहले से ऐप्स और सॉफ्टवेयर जो था वो सब कुछ डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको फिर से लाने के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट में जाना पड़ता है, और उधर आपका जो मनपसंद जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इतना सारा काम आप ना करके बस एक क्लिक में, मतलब आप एक क्लिक करने से आपका जो सारा जरूरतमंद जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन वो सारे इंस्टॉल हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। तो ज़्यादा बातें ना करके चलते कंप्यूटर स्क्रीन में। सो फ्रेंड्स, पहले आपको आपके कंप्यूटर में आ जाना है, और इधर आपके कंप्यूटर में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और इधर सर्च करना है 98। तो देखो 98 सर्च करने से 98.com ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इसको ओपन करना है, नहीं तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उधर से आप डायरेक्ट इधर विजिट कर लेना। तो देखो फर्स्ट में लिखा है पिक द ऐप यू वांट्स, मतलब आप जो ऐप्स लेना चाह रहे हो वो इधर पहले सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हो इधर बहुत सारे ऐप्स हैं, और देखो इधर वेब ब्राउजिंग के लिए जैसे क्रोम है, ओपेरा है, फायरफॉक्स, इट्स बहुत सारे हैं, और इधर मैसेजिंग के लिए भी है, जूम है, स्काइप है, और भी कुछ है, और मीडिया के लिए भी VLC मीडिया प्लेयर, और देखो इधर इमेज एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे ऐप्स दिया गया है, और इधर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे अच्छे किस्म का एंटीवायरस दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो एवास्ट है और मालवेयरवाइट्स है, AVJ है, बहुत सारे अच्छे किस्म के फ्री सॉफ्टवेयर दिया गया है। और इधर डॉक्यूमेंट में देखो तो डॉक्यूमेंट में LibreOffice है, और इधर नीचे क्यूट PDF ये भी है। तो आप अगर LibreOffice के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मैं इधर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, उधर से आप इसके बारे में ज़्यादा जान पाओगे। ये बहुत अच्छी एक सॉफ्टवेयर है, फ्री में यूज कर पाओगे। सो पहले मैं इधर कुछ सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा मैं सिलेक्ट किया, और इधर WinRAR ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको इधर गेट योर लेंट में क्लिक करना है। और देखो इधर डाउनलोड शुरू हो गया है ऊपर, अब इधर मैं सो इन फोल्डर में क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ। अब देखो इधर एक फाइल में दो सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप देख सकते हो ये गूगल अर्थ है, तो दिखा देता हूँ इधर WinRAR ये गूगल अर्थ है, और ये दोनों सॉफ्टवेयर एक फाइल में ही है। तो इधर आपको राइट क्लिक करना है, और इधर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर देना है, और इधर यस के लिए ऑप्शन है तो यस कर देना है, और देखो प्रिपेयरिंग सेटअप शुरू हो गया है इंस्टॉल से। और देखो डाउनलोड शुरू हो गया है, इधर आप देख सकते हो सो इन फोल्डर में क्लिक करने से इधर देखो एक WinRAR इंस्टॉल हो गया, इसलिए ओके दिख रहा है, और ये इंस्टॉल हो रहा है इसलिए इधर डाउनलोडिंग दिख रहा है, देखो ओके हो गया है, मतलब ये दोनों फाइल कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। देखो इधर आ गया है गूगल अर्थ और WinRAR दोनों सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल फ्री और बहुत ही आसान से आपकी सारे जरूरतमंद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगी, और वो भी कुछ ही सेकंड में। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।